हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अफसाना एंड वेलकम टू माय चैनल द एयर ऑफ लर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़ेंगे कुछ कॉमन पॉइंट्स, उसका क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, न्यूट्रिशन और कुछ उसके एग्जांपल। ठीक है, जो भी क्लासिफिकेशन होगा उन सब का हैबिटेट पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और एक दो एग्जांपल पढ़ेंगे जो कि एनसीईआरटी में मौजूद है। किंगडम प्रोटिस्टा का कुछ कॉमन पॉइंट ये है कि किंगडम प्रोटिस्टा में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया जो यूनिसेलुलर हो, यानी सिंगल सेल का बना हो और ये यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा में फर्क ये है कि किंगडम मोनेरा में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है? किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाता है। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा की कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ये बताएंगे क्यों बाउंड्री नहीं है वेल डिफाइंड। ठीक है, किंगडम प्रोटिस्टा जो होते हैं वो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक ही होते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा जो है वो करता है प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर मोनेरा को फंजाई से, प्लांटी से और एनिमेलिया से। तो प्रोटिस्टा एक एक्चुअली लिंक है ना प्रो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक से। ये जो फर्दर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका लिंक है प्रोटिस्टा। क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं तो इनकी जो सेल बॉडी होती है वो वेल डिफाइंड, उसमें न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, और जो अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक में मौजूद नहीं होते हैं वो यहाँ पे मौजूद होंगे। साथ ही साथ यहाँ पे फ्लैजिला और सीलिया दोनों मौजूद होगा, लेकिन जो यूकैरियोटिक का फ्लैजिला होता है और जो प्रोकैरियोटिक का फ्लैजिला होता है वो दोनों थोड़ा डिफरेंट होता है। प्रोटिस्टा जो है रिप्रोड्यूस कर सकता है एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी, और ये जो है इसमें इन्वॉल्व होता है सेल फ्यूजन, ठीक है, और जाइगोट। अब हम लोग प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा को हम लोग इस तरह से डिवाइड किए हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के 5 क्लासेस है, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड्स, स्लाइम मॉल्ड्स और प्रोटोजोन्स, जिसमें क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनोइड्स ये तीनों ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक होते हैं। स्लाइम मॉल्ड जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक में भी सैप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। और प्रोटोजोन जो होते हैं वो होलोजोइक भी हो सकते हैं, जैसे कि अमीबा जो होता है वो होलोजोइक होता है, एंट अमीबा जो होता है वो पैरासिटिक होता है। बीच में यूग्लेनोइड्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। जब यूग्लेनोइड्स जो होता है जब उसको सनलाइट मिलती है तब वो फोटोसिंथेटिक रहता है, लेकिन जब जैसे ही उसको सनलाइट नहीं मिलती है वो हेटरोट्रॉफिक हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। इस ग्रुप में जो इंक्लूड होता है वो होता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी, जिसको हम लोग डेसिमेट्स भी बोलते हैं। ये है गोल्डन एल्गी और ये है डायटम्स। क्राइसोफाइट का जो हैबिटेट होता है वो फ्रेश वाटर भी होता है और मरीन भी होता है, यानी एक्वेटिक में फ्रेश वाटर भी होगा और मरीन भी होगा। और ये जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, वाटर करंट के साथ पैसिव फ्लो में ये जाते हैं, और इनको हम लोग प्लैंकटॉन्स भी कहते हैं। क्राइसोफाइट जो होते हैं मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया कि जो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनोइड्स होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिनमें यूग्लेनोइड्स कभी कभी हेटरोट्रॉफिक। अब हम लोग डायटम्स की बात करेंगे क्योंकि डायटम्स के बारे में ही ज़्यादा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो जो डायटम्स का जो सेल वॉल होता है वो ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, उनमें थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। ये देखिए, ये डायटम्स है और ये नीचे का शेल है और ये ऊपर का शेल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ओवरलैप करता है। ये देखिए, ये अंदर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है, तो ये ओवरलैप करता है। तो इसका जो सेल वॉल होता है वो दो थिन ओवरलैपिंग शेल का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक दूसरे के साथ इस तरह से फिट हो जाते हैं जैसे कि सोप बॉक्स होता है। उसके जो वॉल्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं सिलिका, ये जो होता है सिलिका से एम्बेडेड होता है। सिलिका से एम्बेडेड होने की वजह से इनडिस्ट्रक्टिबल होता है, यानी इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। जो डायटम्स होते हैं वो अपने पीछे बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट करते हैं अपने हैबिटेट में, और इस एक्यूमुलेशन को जब बिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाता है तो इस एक्यूमुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एटमेशियस अर्थ। सही है, जो सेल वॉल होता है ना सिलिका का वो डिपॉजिट हो जाता है, और बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तब उसको हम लोग कहेंगे डायटमेशियस अर्थ। ये जो सॉइल होता है वो ग्रिटी हो जाता है, इसी वजह से इसको पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स में और सीरप्स में इस्तेमाल करते हैं। और जो डायटम्स होते हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में, ठीक है। सबसे ज़्यादा ओशन में जो प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा वो डायटम्स होगा। दूसरा आता है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स का हैबिटेट क्या होता है, ये सिर्फ मरीन होता है। मैंने बताया कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो फ्रेश वाटर भी होते हैं और मरीन भी होते हैं, लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो सिर्फ मरीन होते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनमें कुछ पिगमेंट्स होते हैं, ये येलो होते हैं, ग्रीन होते हैं, ब्राउन, ब्लू और रेड। ये डिपेंड करता है मेन पिगमेंट उस सेल में क्या है उस पर डिपेंड करेगा, इसका कलर जो है उसी पर डिपेंड करेगा। जो इसका सेल वॉल होता है, ये जो आपका ऊपर वाला देख रहे हैं, ये सेल वॉल
एक्चुअली सेलुलोज प्लेट से बना होता है, जो कि बहुत स्टिफ होता है, बहुत कड़ा होता है सेलुलोज प्लेट, ठीक है। और ये आउटर सरफेस पे होता है। इनमें दो फ्लैजिला होता है, एक तो फ्लैजिला दिख रहा है, एक उस साइड से फ्लैजिला दिखेगा आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में। तो एक जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है और एक ट्रांसवर्स सेक्शन में होता है, ठीक है। ये जो फरो आपको दिखाई दे रहा है, इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको दूसरा फ्लैजिला दिखेगा। और ये दोनों बिटवीन द प्लेट्स होते हैं, ये ऊपर का प्लेट जो है ना और ये नीचे का, ये बिटवीन द प्लेट्स जो होते हैं। जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स है उसमें एग्जांपल है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स जो होता है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, जहाँ पे ये पाया जाता है उसको पूरा रेड कर देता है, क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट होता है, तो पूरा रेड कर देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेड टाइड्स। ये जो इतना अमाउंट में हो जाता है और इससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है वो लार्ज अमाउंट में होगा, ठीक है ना। तो टॉक्सिन जो रिलीज होता है वो मरीन एनिमल्स को मार सकता है, जैसे फिशेज वगैरह को ये मार सकता है, ठीक है, किल कर सकता है। अब आता है यूग्लेनॉइड्स। यूग्लेनॉइड्स का हैबिटेट क्या है, ये फ्रेश वाटर होते हैं। दूसरी बात, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन अगर सनलाइट की कमी हो जाती है तो फिर ये हेटरोट्रॉफ्स हो जाते हैं, फिर ऑर्गेनिज्म को अपना प्रे बना लेते हैं, प्रीडेट करते हैं उस पर। ये है यूग्लेनॉइड का स्ट्रक्चर, ये दिख रहा है आपको, इस तरह का यूग्लेनॉइड होता है। इसमें जो सेल वॉल होता है वो एक्चुअली नहीं होता, सेल वॉल की जगह पे एक चीज़ होती है प्रोटीन रिच लेयर होता है। इसके जो ऊपर वाला जो लेयर है वो प्रोटीन रिच लेयर होता है, जिसको हम लोग पेलिकल कहते हैं, जो कि बॉडी को इसके फ्लेक्सिबल बनाता है। इनमें भी दो फ्लैजिला होता है, एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है और एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, ठीक है। शॉर्ट वाला नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन शॉर्ट फ्लैजिला भी होता है, यानी दो फ्लैजिला होता है। डायनोफ्लैजिलेट्स, दो फ्लैजिला उसमें तो होता ही है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स सेक्शन में। और यहाँ पे यूग्लिना में भी दो फ्लैजिला होता है, लेकिन एक शॉर्ट होता है एक लॉन्ग होता है। इनमें जो पिगमेंट होते हैं वो सिमिलर टू हायर प्लांट्स होता है। हायर प्लांट्स में क्या होता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, है ना, तो इसमें यूग्लिनॉइड्स में भी सेम वैसा ही होता है, और इसका एग्जांपल है यूग्लिना। फिर हम लोग इन तीनों का अगर कंपैरिजन देखें तो इसका हैबिटेट जो है, क्राइसोफाइट्स का हैबिटेट दोनों है फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों। डायनोफ्लैजिलेट्स सिर्फ मरीन वाटर है और यूग्लिनॉइड जो है वो फ्रेश वाटर है। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये दोनों फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेटिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पे सेलुलोज प्लस सिलिका शेल होते हैं, और यहाँ पे डायनोफ्लैजिलेट्स में सेलुलोज के प्लेट्स होते हैं, स्टिफ सेलुलोज के प्लेट्स होते हैं। और यूग्लिना में एब्सेंट होता है सेल वॉल, लेकिन उसकी जगह पे एक पेलिकल मौजूद होता है, जो कि आउटर सरफेस को फ्लेक्सिबल बनाता है। पिगमेंट्स की बात करें तो पिगमेंट्स में क्लोरोफिल ए होता है यहाँ पे क्राइसोफाइट्स में। डायनोफ्लैजिलेट्स में क्लोरोफिल ए भी होता है और अदर रेड येलो पिगमेंट भी होता है। और यूग्लिनॉइड्स में सिमिलर टू हायर प्लांट्स यानी क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी मौजूद होगा। नेक्स्ट आता है स्लाइम मॉल्ड्स। स्लाइम मॉल्ड्स का जो हैबिटेट है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे ये रहता है और उसी पे फीड करता है, ठीक है। स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी डेड और डिकेइंग मैटर पे फीड करते हैं। ये देखिए, ये स्लाइम मोल्ड जो होते हैं वो सूटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन का फॉर्मेशन करता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। ये एग्रीगेट होकर के प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करता है, वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। और वो ग्रो करके वो इतना बड़ा हो सकता है कि वो सेवरल फीट जितना वो अपने आप को स्प्रेड कर सकता है। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं हुई, यानी अनफेवरेबल कंडीशन हुई, तो जो प्लाज्मोडियम होता है वो डिफरेंशिएट करता है और फॉर्म करता है फ्रूटिंग बॉडी को। ये देखिए, ये प्लाज्मोडियम जो है वो डिफरेंशिएट किया और एक फॉर्म किया फ्रूटिंग बॉडी को। उसमें स्टॉक होता है, ऊपर में जो बॉडी होती है उसमें स्पोर्स होते हैं, ये वाला जो होता है इसमें जो होते हैं वो स्पोर्स होते हैं, ठीक है। स्पोर्स कहाँ पे होते हैं, टिप पे स्पोर्स। और जो स्पोर्स होते हैं उनमें ट्रू वॉल्स होते हैं, जो अंदर में ये स्पोर्स, ये बाहर निकल गया है स्पोर्स, ये देख रहे हैं स्पोर्स जो होते हैं वो ट्रू वॉल, उसमें ट्रू वॉल्स होते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और सर्वाइव करते हैं मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन, यानी जो स्पोर्स होते हैं एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। फिर ये स्पोर्स डिस्पर्स कर जाएंगे, देखिए यहाँ से होकर के ये एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स कर जाते हैं। डिस्पर्स करने के बाद ये जर्मिनेटिंग स्पोर बन जाते हैं, और जर्मिनेटिंग स्पोर्स होने के बाद इसमें फ्लैजिला आ जाता है, और फ्लैजिला आने के बाद दो स्पोर्स मिलकर के सिनगैमी करके वापस से जाइगोट बना देंगे, और जाइगोट बनाने के बाद क्या बना देंगे, स्लाइम मोल्ड्स, और फिर अगेन साइकिल चलेगी। तो ये पूरी साइकिल होती है उसकी लाइफ साइकिल। अब आते हैं प्रोटोजोन्स के बारे में। तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनका हैबिटेट क्या होता है, वो पैरासाइट्स होते हैं और प्रीडेटर्स होते हैं। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। माना जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं एनिमल्स के, ठीक है, एनिमल्स से ये लिंक करते हैं, सही है। तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं, एक है एमेबॉइड, दूसरा है फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोन्स। एमेबॉइड के बारे में देख लेते हैं। एमेबॉइड का जो हैबिटेट है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है, सी वाटर भी है और मॉइस्ट सॉइल, इन सब जगहों पर एमेबॉइड प्रोटोजोआ मिलता है। ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं प्रे
बाय पुटिंग स्यूडोपोडिया, यानी फॉल्स फीट बनाते हैं। जैसे कि अमीबा को देख लेते हैं, अमीबा ये जो फॉल्स फीट बनाता है यहाँ से इनगल्फ कर लेता है खाना अपना, ठीक है। लेकिन उसी में एक और एग्जांपल है एंट अमीबा, जो कि पैरासाइट होता है। जो मरीन फॉर्म्स होते हैं उनमें सिलिका शेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे क्राइसोफाइट्स में था ना, तो एमीबॉइड में भी अगर मरीन फॉर्म्स होगा तो सिलिका सेल मौजूद होगा। दूसरा आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स का जो हैबिटेट है वो फ्री लिविंग होते हैं और या फिर फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं। इनमें फ्लैजिला मौजूद होता है, फ्लैजिलेटेड से ही पता चल रहा है कि फ्लैजिला मौजूद होगा। इसका जो पैरासिटिक फॉर्म है वो डिजीज काउज करता है, जो कि है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ट्रिपैनोसोमा। दूसरा है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, पता ही चल रहा है इसमें सीलिया मौजूद होगा। तो इनका हैबिटेट जो होता है वो एक्वेटिक होता है, और जैसा कि इसका नाम है कि ये सीलिएटेड होता है तो सीलिया प्रेजेंट होगा, और सीलिया प्रेजेंट होने की वजह से ही एक्टिवली मूविंग होता है, ठीक है। और जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, जो सीलिया का जो इसमें रो होता है उसमें जो कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट होता है, सब कोऑर्डिनेट करके मूव करते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे वाटर लैडन होता है। और वाटर लैडन होता है, वाटर जो होता है वो इसमें आता है, और फिर वाटर के साथ क्या आता है, फूड भी साथ साथ आता है, ठीक है। और उसके बाद उसके गलट में जाता है, और गलट में जाने के बाद वो फूड वहाँ से इनगल्फ कर लेता है, ठीक है। गलट एक्चुअली क्या है, गलट एक कैविटी है जो कि ओपन होता है आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस, ठीक है ना। तो वहाँ पर फूड आएगा और फूड को वो इनगल्फ कर लेगा। इसका एग्जांपल जो है वो पैरामीशियम होता है। नेक्स्ट आता है स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स का हैबिटेट क्या है, जो इसका स्पोर स्टेज होता है वो पैरासिटिक होता है। जो स्पोरोजोन्स होता है उसका इन्फेक्शियस स्टेज जो होता है वो स्पोर लाइक स्टेज होता है उसके लाइफ साइकिल में। इनमें जो सबसे नोटोरियस होता है, जो सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है, वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है, मलेरियल पैरासाइट कहलाता है, जो कि मलेरिया काउज करता है ना। पहले उसका इंसेक्ट में होता है, यानी कि पहले एनोफिल्स मॉस्किटो में ये जाता है और एनोफिल्स मॉस्किटो में अपना लाइफ साइकिल कम्प्लीट करता है। उसके बाद फिर जो है ह्यूमन में जाता है और ह्यूमन में फिर अपना लाइफ साइकिल कम्प्लीट करता है, ठीक है। तो इसके लिए दो होस्ट का होना ज़रूरी है इसके लाइफ साइकिल को कम्प्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये टोटल हो गया प्रोटिस्टा के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो फंजाई पे आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।